नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप बॉलिंग पिच पे, ठीक है, बॉलिंग पिच पे आप अपने टीम कैसे बनाओगे। पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किया है जिसमें एक में बताया हुआ है कि बैलेंस पिच पे आप टीम कैसे बनाओगे, उसके बाद में मैंने अपलोड किया बैटिंग पिच पे आप टीम कैसे बनाओगे। ठीक है, दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जा कर के आप देख सकते हो। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉलिंग पिच पे आप अपनी टीम कैसे बनाएंगे। वीडियो को पूरे कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा बॉलिंग पिच पे टीम बनाने के लिए। ठीक है, देखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये होता है कि जब तक आपको टीम का कम्बिनेशन नहीं बनाना आएगा, कम्बिनेशन नहीं करना आएगा, तब तक आप ड्रीम इलेवन से कुछ नहीं जीत सकते हो। ठीक है, देखो, पिच जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पिच के कंडीशन आपको समझना होगा, पिच का कंडीशन समझ के आप अपनी टीम बनाओगे, वो टीम यूनिक बनेगी और आप उस टीम से पैसे विन करोगे। वहीं मैं आपको दो वीडियो में दो टीम बनाने का तरीका मैंने बता दिया है, जिसमें एक बैलेंस पिच के बारे में मैंने बताया हुआ है और एक बताया हुआ है बैटिंग पिच के बारे में। ठीक है, और ये वीडियो जो है यहाँ पे हम आपको बताएंगे बॉलिंग पिच के बारे में। देखो, तीनों पिच पे अलग अलग कॉम्बिनेशन में टीम बनाया जाता है। एक तो होता है बैलेंस पिच, दूसरा बैटिंग पिच, तीसरा बॉलिंग पिच। ठीक है, तीनों में अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, अलग अलग टीम बनते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर तीनों में लगाया जाता है। ठीक है, तो आप दो वीडियो को नहीं देखे होंगे, वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को पूरे कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि बॉलिंग पिच पे आप एक यूनिक और एक बेहतरीन टीम कैसे बना सकते हो जिससे आप ड्रीम इलेवन पर पैसे विन कर सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और गाइज, यहाँ पे मैं आपको ड्रीम इलेवन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी, पैटेक्शन की वीडियो, हर चीज़ मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। साथ में मैं आपको चार जीएल का टीम प्लस एक स्मॉल ई का टीम मैं प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आज से ही आपको टीम मिलेंगे बिल्कुल यूनिक और परफेक्ट टीम, जिससे आप ड्रीम इलेवन पे पैसे विन कर सकते हो। ठीक है, आपने कोई कितना हो भी लॉस किया होगा, सारे के सारे लॉस हम आपको कवर करवाएंगे और जीएल में विन करवाएंगे। ठीक है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे कि बैलेंस सॉरी यहाँ पे बॉलिंग पिच पे हम अपनी टीम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ड्रीम इलेवन को ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे गाइस देखो, हम इस मैच को ओपन करते हैं, जो आज ही ये मैच होने वाला है, इंडिया और वेस्ट इंडीज में ये मैच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस हम आपको बता दे रहे हैं बॉलिंग पिच पे आपको टीम कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पिच किस स्थिति में है। ठीक है, किस कंडीशन में पिच है, बॉलर्स को हेल्प कर रही है या फिर बैट्समैन को हेल्प कर रही है या फिर बैलेंसर पिच है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको मैंने क्लियर बता दिया है, एक वीडियो में देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि सही पिच रिपोर्ट आप कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज देखिए, अभी जो है बैलेंस पिच दिखा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये बॉलिंग पिच है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, बॉलिंग पिच पे सीधी सी बात है कि वहाँ पे बॉलर्स चलते हैं, बॉलर्स को हेल्प मिलती है, यानी कि विकेट्स ज़्यादा गिरते हैं। दोनों टीम से मिनिमम 9-10 विकेट ऐसे करके आपको गिरी जाएंगे। ठीक है, तो बॉलर्स को हेल्प मिलती है, सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा बॉलर्स रखने हैं और बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मेन जो बात आती है वो होती है कि आप बैट्समैन को कैसे रखेंगे, किस बैट्समैन को रखेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि बैट्समैन को आप कैसे रखेंगे। ठीक है, जब तक देखो, बॉलर्स आपने ये जान लिया कि बॉलर्स को हेल्प मिलते हैं 10 विकेट एक टीम से या फिर 8 विकेट 9 विकेट एक टीम से गिर जाता है। ठीक है, तो आप तो बॉलर्स को रखोगे, बॉलर्स को ऑब्वियसली आप बॉलर्स को रख लोगे। ठीक है, लेकिन बैट्समैन को किस बैट्समैन को रखोगे, मिनिमम आप 5 से 6 बॉलर्स को तो आप अपने टीम में रख करके टीम बना लोगे। आपके सारे बॉलर्स परफॉर्मेंस कर देंगे, लेकिन जो बैट्समैन परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो बैट्समैन अगर आपके टीम में नहीं है तो फिर आपका टीम जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आप विन नहीं करोगे। ठीक है, यही बात यहाँ पर आपको समझने वाली है। ठीक है, तो गाइस देखो, बैट्समैन बॉलिंग पिच पर वो चलते हैं जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टॉप
ऑपनर के बैट्समैन रहेंगे उसको हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉलिंग पिच है, बॉलर्स को हेल्प मिलती है। टॉप ऑर्डर में जो भी आएंगे उसको आउट किया जाएगा, जो मिडिल ओवर में आएंगे वहीं थोड़ा परफॉर्मेंस करेंगे, तो उसी बैट्समैन को आपको अपने टीम में रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए निकोलस पुरन हो गया, हम अपने टीम में इसको रख लेंगे क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा प्लस ये विकेट कीपरी करेगा, ठीक है। तो दोनों जगह से आपको बेनिफिट देने वाला है, अगर बैटिंग से 10-15 रन भी बना दे और यहाँ पे विकेट कीपरी से आपको 20 पॉइंट दिला दे तो फिर आपका जो है यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही रूल इसी तरह से समझ के आपको टीम बनाना होगा बॉलिंग पिच पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चले आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पे हम शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये जो पिच है बॉलिंग पिच है, ठीक है। और टॉप ऑर्डर में आएंगे जो बैट्समैन उसको यहाँ पर हेल्प नहीं मिलेगा। अगर आप देखो 6 कम्बिनेशन बना रहे हो या फिर 4-5 कम्बिनेशन ऐसे कर के बना रहे हो, एक से अधिक टीम बना रहे हो, तो यहाँ पे एक टीम में आप यशस्वी जायसवाल ओपनर को रख लीजिए और उसके बाद में एक टीम में यहाँ से आप क्या करें शुभमन गिल को रख लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो रूल है वो रूल है यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को आपको रखना है, ठीक है, बॉलिंग पिच पे। तो यहाँ पे सूर्य कुमार वन डाउन बल्लेबाजी करता है, इसको हम रख लेंगे। और यहाँ से तिलक वर्मा 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगा, इसको भी हम रख लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे रोबमैन पॉवेल है, हम इसको रख लेंगे क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आता है, ठीक है। तो मिनिमम आपको 3 ही बैट्समैन को रखना है बॉलिंग पिच पे, 3 से अधिक बैट्समैन नहीं रखेंगे। चाहें तो उससे अगर ज़्यादा क्वालिटी मतलब कि अच्छा बेस्ट बॉलर आपको बॉलर सेक्शन में है तो फिर बैट्समैन को और कम कर दीजिए और बॉलर्स को उठा लीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए मिनिमम ये जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बता रहा हूँ बॉलिंग पिच का, मिनिमम आपको 3 बॉलर्स को ही रखने हैं, बैटर्स को ही रखने हैं, ठीक है, मिनिमम 3 बैटर्स को। अब चलेंगे कहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं बॉलिंग पिच पे, क्यों, क्योंकि ये बंदा बॉलिंग करेगा बैटिंग करेगा दोनों जगह से आपको बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो ऑलराउंडर प्लेयर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक करने हैं, ठीक है। और वैसे ऑलराउंडर जो ऑलराउंडर बॉलिंग भी करे और बैटिंग भी करे वैसे ऑलराउंडर को ही आपको पिक करना है, ठीक है। ये नहीं कि जो खाली बॉलिंग कर रहे हैं उसको भी आप पिक कर लें, एक ओवर दो ओवर आएगा डालने उसको भी आपको पिक कर लेना है, वैसा नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हार्दिक पांड्या बॉलिंग बैटिंग दोनों जगह से आपको बेनिफिट देने वाला है, हार्दिक पांड्या को आप रख लेंगे, ठीक है। जसन होल्डर भी है जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेगा और बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो इन दोनों प्लेयर को आपको रख लेना है, ऐसे प्लेयर को, ऐसे ऑलराउंडर प्लेयर को आप रखेंगे, ठीक है। अब अक्षर पटेल है यहाँ पे, ये इसका जो बैटिंग है काफ़ी डाउन है और ये बॉलिंग करेगा, ठीक है, बॉलिंग करेगा। तो आप इसको कहाँ पे रखेंगे, जब आप जीएल का कम्बिनेशन बना रहे हैं, ग्रैंड लीग का टीम बना रहे हैं, उसमें आप इसको रख के कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काइल मार्श ओपनर है, इसको आप ड्रॉप कीजिए। अक्षर पटेल है, इसको आप रख भी सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कई जब चले आएंगे कहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे बॉलिंग पिच पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो युजवेंद्र चहल को हम रख लेते हैं और यहाँ से कुलदीप यादव को रख लेंगे, ठीक है। जो क्वालिटी बॉलर्स होंगे उसी को आपको अपने टीम में रखना है, क्योंकि बॉलिंग पिच है, इस पर विकेट जाएंगे और हर बॉलर्स को विकेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा फिर एक यहाँ पे हर्षदीप सिंह है, इसको भी रख लेते हैं। और यहाँ पे चले आएंगे कहाँ, वेस्ट इंडीज़ के टीम से आप यहाँ पे अल्जारी जोसेफ और यहाँ से रोमारियो सेपरेट को रख लीजिए, ठीक है। तो बॉलिंग पिच का स्ट्रक्चर यही होता है, इसी तरह से आपको बॉलिंग पिच पे टीम बनाना होता है। अब यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे करना है, तो यहाँ पे कैप्टन आप क्या करेंगे, ऑलराउंडर प्लेयर को रखेंगे या फिर बॉलर्स को रखेंगे, बैट्समैन को आपको कभी भी कैप्टन नहीं बनाना है बॉलिंग पिच पे। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो जो बैट्समैन मिडिल ओवर ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 35 रन यानी कि ड्रीम टीम के पॉइंट आपको दे के आउट हो जाएंगे, ठीक है। बॉलिंग पिच पे यही होता है, 100 से लेकर के 120 तक का स्कोर बनेगा, 130 का स्कोर बनेगा, ऐसे स्कोर बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन इसलिए नहीं बनाना है, आप यहाँ पे क्या करेंगे ऑलराउंडर प्लेयर को बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर बॉलर्स को बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैप्टन किसको बना लेते हैं, हार्दिक पांड्या को, ठीक है। और यहाँ पे गाइस एक वाइस कैप्टन हम किसको बना लेंगे, यहाँ पे अल्जारी जोसेफ को बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक टीम में हम इस तरह से कैप्टन बना लेंगे और नेक्स्ट टीम जो क्रिएट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, अभी होल्डर को कैप्टन वाइस दे देंगे और यहाँ से कुलदीप को यहाँ पे क्या करेंगे कैप्टन बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन इंटरचेंज करना है बॉलिंग
पिच पे, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे कुलदीप को आपने कैप्टन बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पे अलजारी को यहाँ पे वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आपको कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों बॉलर्स के ही बना लेना है, ठीक है। तो बॉलिंग पिच पे यही एक रूल होता है आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का, टीम सेलेक्शन करने का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। मन में कोई डाउट हो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो।